पहले हम लोग जब मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई कर रहे थे उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, जैसे मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आधार पर या कंडक्टिविटी के आधार पर जब हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर रहे थे, तो हम लोग बहुत सारे एक्सेप्शंस यानी अपवादों को देखा। इसका मतलब है कि जिस बेसिस पर हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, है ना। और साइंस में किसी भी चीज़ पर जब हम स्टडी करते हैं तो एक्यूरेट होना चाहिए और एक्यूरेसी की ओर बढ़ना चाहिए। सो नाउ वी ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल में क्लासिफाई करेंगे। इन ऑर्डर टू डू दिस, एट फर्स्ट वी शुड वी थिंक अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ O2 हमेशा लिखते हैं इसलिए कि ऑक्सीजन डाइएटोमिक स्टेट में पाया जाता है। कुछ एलिमेंट्स नेचर में ऐसे हैं जो डाइएटोमिक, या डाई माने दो एटम एक साथ होगा, जैसे ऑक्सीजन को O2 लिखा हमने, तो ये डाइएटोमिक स्टेट में ही नेचर में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। जैसे क्लोरीन लिखना होगा तो हमेशा Cl2 लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखना है तो हमेशा H2 लिखेंगे, ब्रोमीन लिखना है तो हमेशा Br2 लिखेंगे, आयोडीन लिखना है तो हमेशा I2 लिखेंगे, फ्लोरीन लिखना है तो हमेशा F2 लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखना है तो हमेशा H2 लिखेंगे, और नाइट्रोजन लिखना है तो हमेशा N2 लिखेंगे। इसके अतिरिक्त जैसे फॉस्फोरस वगैरह P4, ये चार एटम एक साथ रहता है मॉलिकुलर फॉर्म में, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, तो इसीलिए रिएक्शन लिखते समय हम लोग ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा। क्या होता है इसमें, व्हेन O2 यानी ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मेटल्स, then corresponding metal oxides are or corresponding metal oxides are or इसको जैसे इतना बड़ा लिखना पड़ा हम लोगों को ये सेंटेंस के रूप में। सेंटेंस के बजाय जैसे साइंस में किसी भी चीज़ को हम आसान बनाने का तरीका ढूंढते हैं, ये सेंटेंस के रूप में केमिकल रिएक्शन है। इसको वर्ड के रूप में भी हम लिख सकते हैं, इसे वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन के रूप में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन एरोलाइन, इधर रिएक्टेंट, इस साइड वाला रिएक्टेंट कहलाता है, ये दोनों रिएक्टेंट यानी जिसमें केमिकल चेंज होता है वो रिएक्टेंट होता है, यानी ऑक्सीजन और मेटल और ऑक्सीजन आपस में जुड़ेंगे तो इसमें केमिकल चेंज आएगा तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल ऑक्साइड ये इसके परिणाम स्वरूप, इन दोनों को एक साथ आने के परिणाम स्वरूप ये बना है, इसलिए इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा दाहिने तरफ एरोलाइन के हेड की तरफ और रिएक्टेंट को हमेशा एरोलाइन के टेल की तरफ लिखते हैं। ये
एक बात याद रखें, मेटल और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी, मेटल और ऑक्सीजन की जो दोनों आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है, अलग अलग दोनों की जो प्रॉपर्टी है, वह मेटल ऑक्साइड में नहीं पाया जाता, यानी इसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज कर गया, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके रिएक्शन को हम कैसे लिखें, इस पर हाउ टू राइट द रिएक्शन अकर्स बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में रिएक्शन जो होता है और कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, उसका रिएक्शन कैसे लिखें। छोटे क्लास में खासकर टेंथ तक ये सारी बातें सीखने का अवसर आपके पास है, शिक्षक सिखाने का काम करता है, आप उसको सीखिए ठीक से। जैसे कोई मेटल ले लीजिए, जनरली आपको मेटल कौन कौन सा पढ़ना है उसका हम यहाँ पर बगल में सारणी बना देते हैं। लिथियम नहीं पढ़ना है, यानी अप टू 20, लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन, तो दो तरह की प्रॉपर्टी ड्यूअल नेचर शो करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम। इतना मेटल के साथ हम लोग देखेंगे रिएक्शन इसकी, इतना ही तक हमारा सीमित है। जैसे Li लिथियम, लिथियम Li प्लस O2, एरोलाइन दिया AlIO, यानी मेटल का ऑक्साइड जो बनेगा, लेकिन इसके मॉलिकुलर फार्मूला को लिखने के लिए सीखिए पहले। देखिए लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी आप याद करें, बाद में हम आपको सिखाएंगे कि वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। लिथियम की वैलेंसी एक होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, इस दो से इसका कोई मतलब नहीं। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइंड होता है, रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी लिथियम के एटम के नीचे दाईं तरफ और लिथियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के सिंबल के नीचे दाईं तरफ लिखते हैं, यानी Li2 और O1 है, यहाँ एक वैलेंसी का शो कर रहा है तो 1 नहीं लिखना है। अब ये हो गया लिथियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। फिर देखिए बेरिलियम है Be प्लस O2, बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो नियमता क्रिस्क्रॉस रूल के मुताबिक ऑक्सीजन की वैलेंसी बेरिलियम के नीचे दाईं ओर और बेरिलियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे दाईं ओर, एरो लाइन के बाद BeO, चूंकि रिएक्शन के दौरान कोई नया परमाणु नहीं बनता, नया आइटम नहीं बनता, इसलिए इसको इस तरीके से पहले लिख लेंगे, उसके बाद वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों के नीचे 2-2 लिखेंगे, चूंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, दोनों सिमिलर नंबर है, कट खत्म हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, BeO बेरियम ऑक्साइड। उसके बाद बोरन, बोरन प्लस O2, फिर वही इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, BeO बनेगा, इसकी वैलेंसी इसके नीचे 2, इसकी वैलेंसी इसके नीचे 3, बोरन ऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से सोडियम प्लस O2, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, कंपाउंड जो बनेगा NaO, कोई नया आइटम नहीं बनेगा, NaO हमने लिख लिया। अब वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, 1 नहीं लिखा जाता है, Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब Na के बाद फिर आता है मैग्नीशियम Mg प्लस O2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, तो Mg2O2 लिखेंगे, वैलेंसी एक्सचेंज कर दिया तो दोनों सेम है तो कैंसिल, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर देखिए एल्यूमिनियम Al प्लस O2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, कोई नया आइटम नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के ही आइटम होंगे, वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, ये वैलेंसी इसके नीचे और ये वैलेंसी इसके नीचे, Al2O3
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी प्रकार कैल्शियम पोटेशियम प्लस ओ टू, पोटेशियम की वैलेंसी एक, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो, यहाँ बन जाएगा के टू ओ, और कैल्शियम की वैलेंसी दो होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, इसलिए दोनों बराबर होने पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब दीज आर दी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, यानी मेटल जब रिएक्शन करता है इससे ऑक्सीजन से तो करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगले लेक्चर में हम आपको इस नेचर यानी इसकी प्रकृति को देखेंगे, नहीं अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे इज ऑल मेटल आर ऑल मेटल रिएक्ट विथ सिमिलर रेट है ना विथ ऑक्सीजन, क्या सभी के सभी धातु समान वेग से समान गति से समान रेट से ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फर्दर नॉलेज अबाउट द रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।